वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन की। बर्नौलीज इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स वो इक्वेशन है जिसमें हम जो है क्या करते हैं कि हमारे पास जिस तरह से अगर मैं एक आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि जिसमें हमने एक पाइप कंसिडर किया है और उसमें हमने फ्लूइड फ्लो को जो है वो कंसिडर करें, यानी कि फ्लूइड की जो मोशन है उसको हम देखना चाहते हैं। यहाँ फ्लूइड की जो फ्लो है या फिर उसकी जो मोशन है उसको कंसिडर किया गया है एक ऐसे पाइप के जरिए जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डिफरेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म शेप नहीं है बल्कि इरेगुलर भी आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि एक जगह यहाँ जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको नजर आ रहा है वो ज्यादा है, यानी कि ये जो हमारे पास सर्कुलर एरिया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है, जो कि A1 से मैंने शो किया है, और ये एरिया जो है ये हमारे पास लार्ज एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये पाइप जो है आगे जाके जो है हमारे पास जो नॉन यूनिफॉर्मिटी उसने ये इख्तियार किया कि उसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो कम हो गया। ठीक, और इसको मैंने A2 का नाम दे दिया, यानी कि एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया से आप एक फ्लूइड को जो है गुजार रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप वाटर कंसिडर कर सकते हैं और इसकी जो हाइट है यानी कि यहाँ से मतलब कि इस पॉइंट से अगर हम देखें सेंटर से हम हमेशा हाइट को कंसिडर किया जाता है, सेंटर से अगर हम इसकी हाइट की वैल्यू देखें तो यहाँ पे फ्लूइड की जो हाइट है वो H1 है और यहाँ से जो फ्लूइड की हाइट है वो H2 है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो V1 और इसकी वेलोसिटी मैंने V2 ले लिया। अब इसके ऊपर स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखें कि जब हमने एक फ्लूइड को किसी हाइट पे लेके जाना है तो हमने उसके ऊपर कोई प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, और प्रेशर जिस तरह से वाटर पंप्स के जरिए एग्जर्ट किया जाता है बिल्कुल उसी तरह हमने वाटर पंप पे जो प्रेशर एग्जर्ट किया फ्लूइड पे कि हम इसको ऊपर लिफ्ट अप करवा सकते हैं वो मैंने P1 से डिनोट कर दिया, और फिर एक एक्सटर्नल प्रेशर जो कि है जिसे हम कह सकते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर, और फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है उसके ऊपर यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको मैंने P2 से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो क्या करती है कि हमारे पास जो प्रेशर होता है यानी कि प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है फ्लूइड पे, ठीक, या फिर वो एक्सटर्नल प्रेशर भी हो सकता है या फिर वो प्रेशर भी हो सकता है जो हम उस पर एग्जर्ट कर रहे हैं, उसको रिलेट करती है, बेसिकली इसका रिलेशन बनाती है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड के साथ उसका रिलेशन बनाती है, और किसके साथ बनाती है, और उसकी हाइट के साथ बनाती है, प्लस यहाँ मैं लिख भी देती हूँ प्लस हाइट। ठीक है, अब यानी कि ये दोनों चीजें जो है वो प्रेशर के साथ रिलेट करके बताएगा, बर्नौलीज इक्वेशन हमें बताएगी कि ये इसका क्या रिलेशन है, यानी कि जिस तरह से हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में देखा था कि उसने हमारा एरिया जो है यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिलेट किया था किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। ठीक, तो और बर्नौलीज इक्वेशन हमारे पास क्या करेगी कि प्रेशर को रिलेट करेगी वेलोसिटी और हाइट के साथ, यानी कि अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई चीज वेरी करेगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा फ्लूइड फ्लो पे, यानी कि हम बेसिकली जो है वो फ्लूइड फ्लो को देखना चाहते हैं। अब जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि हम जो फ्लूइड फ्लो को जब का मतलब कि देखना चाह रहे होते हैं या फिर उसको नोट करना चाह रहे होते हैं, उससे कोई इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं, तो उसमें हम तीन कंडीशंस कंसिडर करते हैं। इसमें सबसे पहली जो कंडीशन होती है कि हम फ्लूइड को कंसिडर करते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है वो रिमेन्स द सेम रहेगी, यानी कि उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड चीज जो आप इसमें मतलब कि कंसिडर करते हैं वो ये करते हैं कि आपका जो फ्लूइड है वो स्टेडी फ्लो कर रहा है, यानी कि उसमें स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ठीक है, और उसमें जो है टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, यानी कि इरेगुलर फ्लो नहीं है, यानी कि लाइंस जो है फ्लूइड की वो बिल्कुल स्मूथली एक एक मतलब कि क्रॉस नहीं करेंगी और स्मूथली जो है वो अपना पाथ जो है वो फॉलो करेंगे, एक रेगुलर पाथ फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद जो थर्ड आपके पास जो कंडीशन आ जाती है इस केस में कि हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो में आप कंडीशन देखते हैं वो ये है कि ये नॉन विस्कस होता है, यानी कि नॉन विस्कस का क्या मतलब है, हमारे पास स्टूडेंट्स के विस्कोसिटी जो है उसकी वो नहीं होगी, यानी कि फ्लूइड्स में जो हम कहते हैं कि लेयर्स की फॉर्म में फ्लूइड मूव करता है तो उनकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिससे हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, और हम इन तीनों चीजों को कंसिडर करके जो है वो इक्वेशन डिराइव करते हैं जो कि बेसिकली एक आइडियल केस है, और इस आइडियल केस को कंसिडर करके हम जनरल रिलेशन बनाएंगे प्रेशर का, वेलोसिटी का और हाइट का। अब ये तो हमने इसका बैकग्राउंड कंसिडर कर लिया कि हमने क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है, अब हम इसकी डेरिवेशन पे चले जाते हैं स्टूडेंट के डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, यानी कि इसको हम कैसे डेराइव कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक स्मॉल जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर किया है जिसे मैं यहाँ पिंक कलर से शो करने जा रही हूँ कि ये जो हमारे पास A1 एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया उसमें मैंने एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया है जिसकी जो लेंथ है वो मैंने X1 ले ली है, और इसी
इसी तरह जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू का पाइप है उसमें मैंने जो एक एरिया कंसिडर किया जिसे मैं पिंक लाइन से अगेन शो कर रही हूँ, वो मैंने एक्स टू ले लिया, ठीक है। और सेम टाइम इंटरवल यानी कि एग्जैक्टली सेम टाइम के लिए मैं यहाँ से भी फ्लूइड का फ्लो देखूंगी, इतने एरिया इतनी लेंथ के लिए कितना है, और यहाँ से भी देखूंगी कि इतनी लेंथ के लिए और इतने क्रॉस सेक्शन के लिए फ्लूइड का फ्लो कैसा है, ठीक है। अब उसी को कंसिडर करने के लिए मैं इस पे वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ, यानी कि इसके ऊपर कितना वर्क डन होगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ इस वाली डायग्राम को अंडर कंसिडरेशन रखें तो सबसे पहले अगर मैं वर्क डन की वैल्यू निकालूं, यानी कि W1 अगर मैं कहती हूँ कि वर्क डन है, और वर्क डन हमारे पास किस क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, ए वन क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, तो मेरे पास उसकी वैल्यू जो आएगी वो एफ वन इंटू डेल्टा एक्स वन आ जाएगी। और एफ वन जो है इंटू डेल्टा एक्स वन मैंने क्यों कहा है, क्योंकि हमें वर्क पता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी कि इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, तो ये उसका वर्क डन होगा। और मैंने उसकी वैल्यू जो है यानी कि डेल्टा एक्स वन की जगह में यहाँ प्रेशर जो है, प्रेशर जो होता है हमारे पास क्या होता है, एक रेशियो है फोर्स पर यूनिट एरिया की, तो यहाँ से मैं फोर्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ, जो कि हमारे पास निकलेगी फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो फिर मैं यहाँ डेल्टा जो प्रेशर है नहीं फोर्स है उसकी जगह मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, प्रेशर पी वन ए वन डेल्टा एक्स वन, यानी कि पी वन ए वन डेल्टा एक्स वन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इस मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम देखें एक और चीज, यानी कि इस चीज को हम वेलोसिटी के टर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि ये वेलोसिटी वी वन है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, तो वी वन जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, वी जो होता है हमारे पास डेल्टा मतलब कि डेल्टा एक्स वन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि चेंज इन डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि किस यूनिट टाइम के लिए आप उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से आप डेल्टा एक्स वन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आएगी वी वन इंटू टी, ठीक है। तो ये वैल्यू भी मैंने यहाँ पुट कर दी, पी वन ए वन इंटू वी वन इंटू टी, ठीक है। ये डब्ल्यू वन की हमारे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। यहाँ तक जो है वो हमने क्या किया है, हमने प्रेशर सॉरी वर्क डन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, इसी तरह बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो करके हुए मैं जो है सेकेंड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, जो कि मेरे पास क्या आएगी, डब्ल्यू टू इज इक्वल्स टू F2 टू इंटू डेल्टा एक्स टू, जो कि मैंने जितना एरिया मैंने उसके लिए कंसिडर किया है, और W2 जो है वो P2 टू इंटू ए टू इंटू डेल्टा एक्स टू आ जाएगी। और इसी वैल्यू को मैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कैसे लिख सकती हूँ, पी टू ए टू इंटू वी टू इंटू टी। तो मेरे पास ये इक्वेशन टू आ गई, जो कि वर्क डन है कि कितना वर्क डन जो है वो किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मैं अब आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि ये जो एक ये प्रेशर जो हमारे पास था वो हमारे पास ये था कि ये प्रेशर वो है जो हमने उसके ऊपर लगाया है, यानी कि ये वो काम है यानी कि W1 वो वर्क डन है जो हमने इस फ्लूइड पे किया है कि हम इसको लिफ्ट अप करके एक हाइट तक लेके जाना चाहते हैं। और P2 जो हमारे पास वो प्रेशर है जो कि बाहर से यानी कि एक्सटर्नली उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, जो कि इस फ्लूइड की फ्लो को कम मतलब कि रोकना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह से लग रहा है, और इसके ऊपर जो एक एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है जो कि इसकी फ्लूइड की फ्लो को रेजिस्ट करना चाहता है, वो हमने P2 से डिनोट किया। और ये W2 जो हमारे पास वर्क डन है यानी कि W2 हमारे पास वो वर्क डन है जो कि एक्सटर्नली यानी कि इस फ्लूइड के ऊपर हो रहा है, ठीक है, ऑन टू द फ्लूइड है। और ये हमारे पास क्या है कि हमने जो फ्लूइड के ऊपर जो वर्क किया है वो हमारे पास ये है, और एक्सटर्नली जो उसके ऊपर वर्क डन हुआ है वो W2 है, ठीक। तो ये चीजें हैं। तो अगर हम नेट वर्क डन निकालना चाहते हैं यानी कि अगर मैं नेट रिजल्ट निकालना चाहती हूँ, नेट वर्क डन निकालना चाहती हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगी कि नेट, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, नेट वर्क डन जो है मेरे पास क्या होगा, नेट वर्क डन जो होगा वो मेरे पास W इज इक्वल टू W1 माइनस W2 होगा। और W1 हमारे पास क्या है कि वर्क डन ऑन द फ्लूइड है और वर्क डन बाय द फ्लूइड है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये आपने कंसिडर करने है कि जो वर्क डन बाय द फ्लूइड है, ठीक है, वो हमारे पास हमेशा नेगेटिव होगा, और ऑन द फ्लूइड जो है वो हमने पॉजिटिव लिया है, जिसके यहाँ मैंने पॉजिटिव साइन लगाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्टूडेंट्स इसका वर्क डन। इसके अब हम वैल्यू डाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी, पी वन ए वन इंटू वी वन टी वन टी माइनस पी टू ए टू वी टू टी, ठीक। तो ये हमारे पास जो है
वर्क डन की वैल्यू निकली है, नेट वर्क डन जो कि इस फ्लूइड पे हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में से हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और बर्नौलीज़ इक्वेशन को आगे फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे।